हेलो फ्रेंड्स, वेलकम स्टडी फोकस फॉर एग्ज़ाम्स। फ्रेंड्स, ये देखिए साइंस वाले क्वेश्चंस जो कल पहली वाली वीडियो थी हमारी पार्ट वन वाली, उससे नेक्स्ट ये वीडियो है, ठीक है। और पार्ट टू हम स्टार्ट करते हैं अब, तो आपके लिए साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये रहे। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है, आवेश रहित यानी कि जिस पर कोई चार्ज ना हो, तो कौन सा है? न्यूट्रॉन, ठीक। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी, शारीरिकी। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैंगनी। क्वेश्चन नंबर 54, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है, यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? 4 मीटर। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन है, तो एक बार आप देख लो। क्वेश्चन नंबर 55, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। 56, रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है, ऑप्शन दे देगा आपको 4, तो क्या इसका सही आंसर क्या होगा? रेडियो तरंगों का परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 57, न्यूटन की वो गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात होती है, आपको मालूम है F=ma। हाँ, उससे हम इसका आंसर निकालेंगे, तो इसका आंसर होगा द्वितीय नियम बल से बल की परिभाषा ज्ञात होती है। 58, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान वो गति की अवस्था में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? जड़त्व, ठीक है, जिसे न्यूटन का प्रथम नियम भी कहा जाता है, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। 59, लेजर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है, विकिरण का, उद्दीप्ति, उत्सर्जन। लेजर जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्पलीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। कई बार इसके पूछ लेता है, ये लेजर की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, हिंदी में बता देंगे लेकिन इंग्लिश में इसका लाइट एम्पलीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, विकिरण का, उद्दीप्ति, उत्सर्जन इसका आंसर होगा, इस सिद्धांत पर कार्य करती है। 60वां, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम हो जाता है, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। आपको पता होगा P=F/A, यानी कि जो दाब जो है इन्वर्सली वो प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, इसका आंसर होगा। 61, बर्फ़ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का वो गलनांक जो है वो डिक्रीज हो जाता है, वो घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल संवहन पर कार्य करता है। 63, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्न में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? इसका आंसर होगा प्रोटीनों के अमीनो एसिडों में या अम्लों में विघटन। 64, एक टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? हर्ट्ज़ या लघु रेडियो तरंगे। 65, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति। 66, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। 67, उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं बेरी बेरी से। आपको पता बेरी बेरी रोग कौन से विटामिन की कमी से हो जाता है? वो कमेंट में बताओ, सबको पता होगा वैसे। 68,
मांसपेशियों में निम्नलिखित में से वो किसके एकत्र होने से वो थकान होती है? लैक्टिक एसिड, ठीक है, यानी कि वो थकने पर शरीर में लैक्टिक एसिड बनता है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है। 69, प्रकाश वर्ष होता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन है। 70, समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? फैदोमीटर। 71, कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती हैं? सिलिकॉन की। 72, वह मतलब काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार वो दर्पण पर वो पड़ती है वह कहलाती है? मुख्य अक्ष। अगर वो किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? अनंत। 74, वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ तो क्रिया मतलब करके हाइड्रोजन निकालती है क्या है? जिंक। 75 क्वेश्चन, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका आंसर होगा लेमार्क तथा ट्रेविनेस ने। 76, कार्य का मात्रक क्या है? जूल। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व। क्वेश्चन नंबर 79, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक। देखो दोनों में डिफरेंस देख लेना सही से। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व, और दूसरा है दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक वो निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक। क्वेश्चन नंबर 80, किसी ध्वनि स्रोत में की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव, ठीक है। 81, कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं आवृत्ति। 82, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है, यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? सेम रहेगी, यानी कि 332 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। 83, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा कौन सा समय का मात्रक है या नहीं है, इसका आंसर होगा प्रकाश वर्ष। पार्शक इकाई है दूरी की, यानी कि पार्शक जो है दूरी का एक अन्य मात्रक है, पार्शक भी दूरी का मात्रक है। 85, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? सीसा। निम्नलिखित में से किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट और आयोडीन, दोनों में इनमें धातुई चमक पाई जाती है। 87, एक मतलब गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु हैं, यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो कौन सी गैस पहले निकलेगी? हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी, सबसे पहले हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी। 88, कपूर के छोटे छोटे वो टुकड़े जल की सतह पर वो नाचते हैं, क्यों? परस तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। 89, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, डायरेक्ट बहुत बार पूछ लेता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। 90, यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार वो कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग भी समान होंगे। 91, पृथ्वी की परिक्रमा मतलब कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, यानी कि वो भी साथ साथ में परिक्रमा करता रहेगा। 92, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? अमोनिया। यंग प्रत्यक्षता गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का।
95 जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं, यानी कि अलग अलग दो तत्व होते हैं जो एक दूसरे से केमिकली अटैच्ड होते हैं। 96 वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है जीव विज्ञान। 97 फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, शैवाल का। 98 जूल निम्नलिखित में से वो किसकी इकाई है, ऊर्जा की। 99 मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, 1971। 1971 लास्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये आपके पार्ट टू होता है, 50 क्वेश्चन होते हैं इसके साइंस के, तो पार्ट टू वीडियो आपकी कंप्लीट हुई। चैनल को लाइक करें और लो इसको सब्सक्राइब करें, इसकी नेक्स्ट आगे की जो भी वीडियो होगी जल्द अपलोड की जाएगी। थैंक यू वेरी मच।